मल्टीप्लिकेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल देखें कि हमारे पास जो नंबर है वो 2 है और इधर 4 है। ये पावर 10 टू इज पावर 10 टू इज पावर 7 को भी फिलहाल नहीं करेंगे, हम करेंगे इतना 2 टाइम्स 4, 2 टाइम 4 इज इक्वल टू 8 आएगा, इसलिए हम इधर 8 लिख देंगे। अब जो पावर्स है उसको आप यहाँ से सॉल्व करेंगे, वो हमारे पास है 10 टू रेज पावर 5 है और दूसरी साइड पे है 10 टू रेज पावर 7 है। जब भी यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आता है तो पावर जो होती है इनको ऐड कर देते हैं, लेकिन शर्त यह है कि यहाँ पे सबसे पहले बेस जो है ना, इसको कहते हैं बेस, ये वो 10 होनी चाहिए, कोई और नंबर ना हो, मैसे 2 या 3 कोई ऐसा नंबर ना हो, सिर्फ 10 ही हो। तो 10 और 10 सेम है, तो इसलिए हमारे पास दोनों नंबर यानी कि सेम होने चाहिए, ठीक है। तो पावर ऐड करेंगे तो 5 प्लस 7 इज इक्वल टू 12, यानी कि 10 की पावर हो जाएगी 5 प्लस 7, ऐसे लिखेंगे तो 10 हो जाएगा 12, तो इसका आंसर आएगा 8। इधर आपने लिखेंगे टाइम्स बाय 10 पावर 12। मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि 1.8 टाइम्स 10 पावर 3 है और दूसरी साइड पे है 7 टाइम्स 10 पावर 2 है। तो आप इसमें सबसे पहले हम करेंगे 1.8 को टाइम्स करेंगे 7 के साथ, ठीक है। जैसे मैं यहाँ साइड पे करके दिखाती हूँ, 1.8 टाइम्स बाय 7 है, तो 8 टाइम्स 7 इज 56, 5 हो जाएगा। बाकी आप यहाँ लिख देंगे 7 टाइम 1 इज 7 और 5 उसमें ऐड करेंगे 12 आ जाएगा, ठीक है। और डेसिमल जो है वो आपके पास आफ्टर नंबर, क्योंकि नंबर इसके बाद एक 1 नंबर था, इसलिए हमने 1 नंबर के बाद डेसिमल लगाया। इसका आंसर तो आ गया 12.6। अब जो पावर्स है इसको नीचे सॉल्व कर लेते हैं, 10 पावर 3 और दूसरी साइड पर मल्टीप्लाई 10 पावर 2 है। इनको सॉल्व करने का तरीका वही है कि 3 लिखेंगे प्लस कर देंगे 2, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई साइन है, तो आंसर आ जाता है 10 पावर 5। अब हम इधर जो है 10 पावर 5 हम लिखेंगे टाइम्स बाय, ये जो मेरा नंबर था वो है 12.6, इधर ऑलरेडी एक डेसिमल है, अब 12.6 मल्टीप्लाई 10 पावर 5, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, अब हम इसको चेंज करेंगे कि आपको पता सिग्निफिकेंट स्टैंडर्ड फॉर्म जब करते हैं तो डेसिमल 1 नंबर के बाद होना चाहिए, इधर क्योंकि 2 नंबर हैं, तो इसलिए हम इसको 1.26 करेंगे इंटू 10 टू रेज पावर, ये डेसिमल मूव होके इस साइड पे आ जाता है, यानी कि इसने एक नंबर मूव किया था, तो इसलिए उसमें वो एक नंबर जो है वो इस पावर में ऐड कर देंगे, तो आंसर इज हमारे पास आ जाएगा इसमें 6। तो कंप्लीट हो जाए।